मोबाइल चार्ज करने में मोबाइल के गिरने की समस्या को दूर करने के लिए मैंने बनाया ये मोबाइल होल्डर, जिसे आप अगर बिगनर्स हैं और मैक्रम लवर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही सिंपल और यूनिक सा डिजाइन है। इस खूबसूरत से DIY को बनाइए और अपना घर सजाइए, और इसमें आप फ्लावर भी हैंग कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करना, और जरूर कमेंट में बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन से चीज का बनते हुए देखना है। अब सबसे पहले हम 2.5 इंच का एक गोल सा रिंग लेंगे और मैक्रम लेंगे। एक एक बंडल दोनों कलर का मैक्रम लगेगा। बहुत ही आसान और सिंपल सा डिज़ाइन है। अगर आपका कम बजट है तो उसमें भी ये आराम से फिट बैठेगा। दो कॉर्ड को मैंने यहाँ पे 4-4 मीटर में कट कर लिया है और उसमें एक बीच में एक मोती लगा करके इस तरह से नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हमको 4 नॉट लगाना, यानी कि 8 मैक्रम का धागा से यहाँ पे 4 डिज़ाइन बनाना है, और यहाँ पे 4 नॉट है। अब सेकेंड लाइन जो ये बन रहा है वो है 3 नॉट से ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे 3 डिज़ाइन बन गया है। अब हम यहाँ पे इसको 2 डिज़ाइन बना लेंगे। मतलब यहाँ जो नॉट है ना वो पान के पत्ता के शेप में घटता जाएगा। पहले 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 नॉट बन करके तैयार होगा। अगर आप मैक्रम बनाना जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। बहुत ही ईजी होता है मैक्रम बनाना। इससे घर को सजाने में बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब बहुत ही अच्छा ये एक क्राफ्ट है जिससे आप घर को सजा सकते हैं, और बहुत टिकाऊ होता है। 5, 6, 7, 8, 10 साल तक आराम से टिक जाता है ये क्राफ्ट। और कोई भी क्राफ्ट अगर आप बनाएंगे तो उसमें आपको समस्या आती है कि धोने के बाद वो ख़राब हो जाता है, पर ये इसको वॉश भी कर दीजिएगा ना तो भी ये ख़राब नहीं होता है। और साइड में मैंने यहाँ पे स्काई कलर का 2 धागा लेकर के बीच में नॉट लगा लिया। अब एक कॉर्ड लेंगे और सारे कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे। ये जो स्टेप हो रहा है इसको हम पाइपिंग कहते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल वाला डिज़ाइन नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है, आप आराम से इसे बना लीजिएगा। बस 1 से 2 बार इसको ध्यान से देखने की देरी है। दूसरा कॉर्ड लेंगे, ऐसे ही पाइपिंग कर लेंगे। तीसरा कॉर्ड से ऐसे ही पाइपिंग कर लेना, और 4th नंबर के कॉर्ड को भी सेम इसी तरह से हम पाइपिंग कर लेंगे। एक एक कॉर्ड लेते जाना है और उसको इस तरह से घुमाते हुए पाइपिंग कर लेना है। अब दूसरे तरफ भी हम सेम इसी तरह से एक नॉट लगा लेंगे मोती के साथ, और एक एक धागा लेकर के 4 धागा से हम इस तरह से यहाँ भी पाइपिंग करके तैयार कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सा डिज़ाइन, सिंपल सा डिज़ाइन मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपका घर सजाने में आपको आसानी से मदद मिलेगी और बजट फ्रेंडली डिज़ाइन भी रहेगा, जिससे कि आप ज़्यादा खर्चे में, कम खर्चे में भी आप अच्छे अच्छे सुंदर सा डिज़ाइन बना के मैक्रम का तैयार कर पाएंगे और घर को सजाएंगे। तो बीच में मैंने यहाँ पे स्काई कलर का 4 नॉट लगातार बनाया है। यहाँ पे ये रोज़ फ्लावर डिज़ाइन बन रहा है। अगर आप मैक्रम देखते होंगे मेरे चैनल पर तो आपने देखा होगा कि मैंने कई सारे प्रोजेक्ट में, कई सारे क्राफ्ट में ये रोज़ फ्लावर का डिज़ाइन यहाँ पे ट्राई किया है। तो यहाँ भी आप बीच से 2 धागा लेंगे और साइड वाला 2 धागा स्काई कलर का लेंगे, और 4 लगातार नॉट हम लगा लेंगे। अगर नॉट आपको लगाने नहीं आता है तो मेरे चैनल पे आप विजिट करिए, और वहाँ पे मैं बेसिक नॉट्स फ्रॉम बिगनर्स फॉर बिगनर्स वाला एक वीडियो होगा, या अगर आप यूट्यूब पर आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं बेसिक नॉट्स फॉर बिगनर मैक्रम, बेसिक नॉट्स फॉर बिगनर्स का। तो इस तरह से आप बिगनर्स हैं तो आप जाके सर्च करिए, आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 1, 2, 3 का मैंने यहाँ पे ये फ्लावर बना के तैयार कर लिया है। अब इस तरह का पैटर्न हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके लिए 2 धागा कुछ इस तरह से लेना है, और इसमें एक मैंने लेफ्ट साइड और एक राइट साइड दोनों तरफ हम इस तरह से कॉर्ड घुमाते हुए, आप देख रहे हैं ना, एक बार कॉर्ड के ऊपर से, एक बार कॉर्ड के नीचे से, कुछ इस तरह से धागे के ऊपर से और धागे के नीचे से हमको लेना है। एक धागा को हमको स्थिर रखना है और दूसरे धागों को ही बस हम ऊपर नीचे करते जाएंगे। अब मैंने लेफ्ट साइड के धागे को राइट साइड पाइपिंग कर लिया और राइट साइड के धागे को लेफ्ट साइड पाइपिंग, थोड़ा ट्विस्ट करके इसको पाइपिंग करना है। अब कुछ इस तरह से यहाँ भी बना ली, देख रहे हैं आप। एक कॉर्ड को मैंने हाथ में पकड़ रखा और दूसरे कॉर्ड के से ही बस मैं इसको ऊपर नीचे घुमाते जा रही हूँ। तो एक बार धागे के नीचे से लीजिएगा, एक बार धागे के ऊपर से फंदा फंसाना है। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। तो यहाँ पर हम मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन ले लिया है। यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिज़ाइन लगाया। अब यहाँ पे मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिज़ाइन मैंने यहाँ थर्ड लाइन में लगाया है। फर्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे 5 डिज़ाइन लगाया था, सेकेंड लाइन में मैंने यहाँ पे 9 डिज़ाइन लगाया, और थर्ड लाइन में मैंने यहाँ पे 12 डिज़ाइन लगाया। इस तरह से हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे मोती लगा लेंगे। 8 से 9 मोती लगाना है। एक मोती ऊपर करके ऊपर नीचे वाला डिज़ाइन बना लेंगे, फिर से कॉर्ड के ऊपर और कॉर्ड के नीचे से कुछ इस तरह से दूसरा मोती, फिर तीसरा मोती डाल के कुछ इस तरह से डिज़ाइन लगा लेंगे,
फिर चौथा मोती डालेंगे, फिर इसी तरह से डिज़ाइन लगा लेंगे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने यहाँ पे मोती लगा करके डिज़ाइन को कुछ इस तरह से कंप्लीट किया है। अब एक धागा लेकर के ऊपर का एक धागा लेकर के कुछ इस तरह से पाइपिंग करके तैयार करना है। अब चारों स्काई कॉर्ड को हम इस तरफ निकाल लेंगे, जैसे हमने उस तरफ बनाया है उसी तरह हम इस तरफ भी हम ये वाला डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है। अब फिर से बीच में हम कुछ इसी तरह का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4 4 फिर 4 3 2 1 का इसी तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइन कर ले, 4 3 2 1 बैकवर्ड नहीं होगा, बस 1 2 3 4 का ही डिज़ाइन लग के तैयार होगा। तो बीच में मैंने 1 नॉट लगाया, अब 2 नॉट, अब साइड का 2 धागा और दूसरे तरफ का 2 धागा लेकर के कुछ इस तरह से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करना है। बहुत ईजी सा डिज़ाइन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब 4 नॉट लग गया है। अब हम यहाँ साइड में स्काई कलर का जो कॉर्ड है उसको भी हम यहाँ पे लगा लेंगे नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमको मोबाइल पाउच बनाना है। मैं यहाँ रिंग नहीं अटैच कर रही हूँ, मैं यहाँ पाउच बना रही हूँ, क्योंकि पाउच में ना मोबाइल चार्ज करना बहुत ही आसान रहता है। अब यहाँ पे 6 नॉट था, अब हम यहाँ पे 5 नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने साइड साइड 2 2 नॉट कॉर्ड को छोड़ दिया है, क्योंकि इससे है ना ये एक मैट डिज़ाइन क्रिएट होगा, मैट वाला पैटर्न हमको क्रिएट करना है। इसी वजह से यहाँ पे 6 5 6 5 6 5 का डिज़ाइन बनके तैयार होगा। ये आप देखिए, आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अब यहाँ पे 3rd लाइन में हमको 4 यहाँ पे कॉर्ड लिया है मैंने, अब 4 यहाँ पे सॉरी साइड वाले डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे 4 कॉर्ड लिया है। अब उससे हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे 5 3 4 5 6 डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। तो पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फिर 5 फिर 4 फिर इसी तरह से हम डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 18 राउंड बना के तैयार कर लिया है, पूरा इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे साइड में एक कॉर्ड लेंगे और एक लूप में कुछ इस तरह से लगाएंगे और दूसरे तरफ भी हम सेम इसी तरह से इसको निकाल लेंगे और इसको एक एक करके हम गांठ को बांध लेंगे। दोनों को एक बार नहीं बांधिएगा, एक एक करके हम गांठ को बांधेंगे, उसके बाद इसको कट करके और ना पीछे में लाइटर की सहायता से पिघला करके स्टिक कर लेना है, तो ईज़िली स्टिक हो जाएगा और ये जो डिज़ाइन है ना वो टिकाऊ रहेगा। अब हम यहाँ पे 2 कॉर्ड अटैच करेंगे स्काई कलर का, वो भी 2 मीटर का, और उसमें एक मोती लगाएंगे और एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगा करके इस डिज़ाइन को यहीं पे फिनिश करेंगे। अब इसी तरह से हम 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन कुछ इस तरह से हमको अटैच कर लेना है, मोती इंसर्ट करना है। अब नॉट लगा करके 6 डिज़ाइन को कुछ इस तरह से हमको कंप्लीट कर लेना। ऊपर का पट्टी बन के तैयार होने ही वाला है। अब हम यहाँ पे बीच का 4 धागा लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे, तो यहाँ पे अब 5 ही नॉट लगेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही नॉट लग के तैयार होगा। अब यहाँ पे साइड से हम इसको डिज़ाइन में पीछे से लूप में हम निकालेंगे, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट मैं करने वाली हूँ। क्या ट्विस्ट होने वाला? तो देखिए, यहाँ मैंने 1 नॉट लगाया था पर यहाँ पे हमको अब 3 नॉट कर लेना है, क्योंकि मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि वो वाला डिज़ाइन अच्छा लगेगा देखने में, इसीलिए मैंने सोचा कि यही वाला डिज़ाइन क्रिएट किया। जब दोनों कॉर्ड इस तरफ फ्रंट साइड पर आ जाएगा तो मोती लगा लेना है, 1 2 कॉर्ड दोनों तरफ से 2 2 कॉर्ड लेकर के और मोती लगा करके बीच में, और सिंपल स्क्वायर नॉट 3 सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह से हम ये पाउच बना करके तैयार करेंगे। तो इसी तरह से ये 5 4 6 5 6 5 का ये जो डिज़ाइन है वो बनता जाएगा और ये मोबाइल पाउच बन के तैयार हो जाएगा। तो सेम इसी स्टेप से मैंने देखिए पूरा बना लिया। मैंने यहाँ पे 4 मोती और 1 2 3 4 लाइन के साथ मैंने इसको कंप्लीट किया है। पीछे से एक येलो कलर का धागा लेंगे और सभी धागे को इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह से गोल घुमा लेंगे। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, मतलब कि एक बहुत ही नया सा लुक देता है, एक बास्केट का लुक देता है, अच्छा सा पाउच का नहीं बास्केट का लुक देता है ये वाला डिज़ाइन। तो इस तरह से इसको कर दे देंगे, पूरा फोल्ड लपेटते जाएंगे और अंतिम में लाइटर की सहायता से चिपका लेंगे। अब यहाँ पे सारे कॉर्ड को एक एक करके खींच लेंगे, सेट कर लेंगे, अब सारे कॉर्ड को कटिंग कर लेंगे बेल्स लगाने के लिए। तो कॉर्ड कट करना तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई झंझट है नहीं, तो सभी को आता होगा, जो बिगनर्स है उन्हें भी आता होगा, जो सीख लिए हैं उन्हें भी आता होगा। तो इस तरह से हमको कॉर्ड को अच्छे से कटिंग कर लेना है, थोड़ा थोड़ा कॉर्ड करके कटिंग करिएगा ना तो कॉर्ड इवन कट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा कट हो जाएगा। ये मेरा टिप है आज का, इस वीडियो का ये टिप है कि है ना, अगर आप
कॉर्ड को कट ज़्यादा कॉर्ड को कटिंग करना है, तो एक बार पकड़ के नहीं उसको काटना है, उसको धीरे दो दो चार चार दस दस कॉर्ड करके इसको हमको कटिंग करना है। तो उस तरह एक समान कॉर्ड कट करके तैयार होगा। अब इस तरह से बेल्स लग गया है और हम ना ये अब अंतिम स्टेप पे आ गए, मतलब ये अंतिम स्टेप है, इसके बाद कोई स्टेप ही नहीं होगा, बिल्कुल लास्ट फिनिश वाला है। तो इस तरह से एक कॉर्ड लिया है मैंने और रिंग के ऊपर और नीचे से ये लार्क हेड नॉट होता है, तो यही वाला नॉट लगा करके हम तैयार कर लेंगे। लार्क एक बर्ड है, उसका हेड इसी तरह का होता है, इसीलिए इसका नाम लार्क हेड बर्ड लार्क हेड नॉट रखा गया है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, पूरे रिंग को हम पाइपिंग कर लेंगे। तो ये मोबाइल होल्डर, सुंदर सा मोबाइल होल्डर बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है ना, और बहुत ही सुंदर सा एक लुक दे रहा है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ढेर सारा कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में कौन सा मैक्रम का सामान बना